दोस्तों इस वीडियो में मैंने बिल्कुल हलवाई स्टाइल कद्दू की सब्जी बनाई है। कद्दू को सीताफल भी बोलते हैं और भी कई नामों से जाना जाता है। मैंने इसको खुले बर्तन में बनाया यानी कि कढ़ाई में बनाया है, बिल्कुल हलवाई जैसे। आप देख सकते हो कि कद्दू भी कितना बढ़िया तरीके से गला हुआ है। आप इस खट्टी मीठी थोड़ी सी स्पाइसी सब्जी को बनाकर देखना, सच में बहुत टेस्टी लगती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अभी कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 किलो तक कद्दू लिया है। अब दोस्तों मैंने ये ऑनलाइन खरीदा है इसलिए इसमें शायद ज्यादा कमियां है। कमियां ये है कि इसकी जो स्किन है हल्की सी मोटी है और इसमें बीज काफी मोटे मोटे हैं। तो आपको बेसिकली ऐसा कद्दू लेना है कि जिसमें बीज मोटे मोटे ना हो, थोड़े छोटे हो, ताकि आपको बीज भी निकालने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। अब वैसे तो हलवाई जो होते हैं वो विद स्किन ही कद्दू को बनाते हैं, लेकिन अगर जो कद्दू है वो ओवर राइप हो तो स्किन कहीं जगह से मोटी हो जाती है और मोटी स्किन गले नहीं पकाने में। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जहां पर मोटी स्किन आपको देखेगी वो आपको छिलनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीज निकाल लिए हैं क्योंकि ये काफी बड़े बड़े बीज हैं, ये बिल्कुल भी गलने नहीं वाले हैं, इसलिए मुझे ये निकालने पड़े। जरूरी नहीं है कि आपको निकालने पड़े, आपको ये देखना पड़ेगा कि बीज कैसे हैं। और रही बात स्किन की, अगर मोटी स्किन है कद्दू की तो ही आप उसको निकालना, नहीं तो निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। स्किन भी बहुत आराम से ही गल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती अगर पतली है तो। आप देख सकते हो कहीं जगह जहां मेरे को स्किन पतली लग रही थी मैंने वो नहीं निकाली है। जहां पर भी मेरे को मोटी मोटी लग रही थी, थिकनेस सी लग रही थी स्किन में, ओवर राइप था ये कद्दू, तो वहां से मैंने इसका छिलका निकाल दिया है। ये देखो है ना, थोड़ी सी मोटी, और यहाँ पर जैसे मैंने रहने दी है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ये गल जाएगी, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब दोस्तों जहां तक कद्दू काटने की बात है, मैं तो इसको थोड़े थोड़े बड़े पीसेस में काटता हूँ, एकदम छोटे छोटे में नहीं काटता, क्योंकि किसी हलवाई के पास इतना टाइम नहीं होता कि छोटे छोटे पीसेस में कद्दू को आराम से काट ले। आप बड़े बड़े पीसेस में ही काटना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से सारे कद्दू ये अच्छे से गल जाएंगे, बहुत आराम से पकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे थोड़ी सी वैसी कद्दू की सब्जी पसंद है जिसमें कि कद्दू अच्छे से दिख रहे हो, ऐसा ना हो कि पूरे मैश्ड अप हो जाए, उसमें मजा नहीं आता। हल्के से दिखने भी चाहिए तभी बढ़िया लगेंगे। खैर ये सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली है, अदरक काफी सारी ली है, साथ में एक ही टमाटर चाहिए होगा, ज्यादा नहीं चाहिए। 1 किलो कद्दू के हिसाब से एक टमाटर काफी होगा, और 1 किलो कद्दू के हिसाब से गुड़ जो हमें चाहिए वो है लगभग 50 ग्राम, इतनी काफी होगी। अब थोड़े मसाले को भी देख लेते हैं, जो खड़े मसाले हम यहाँ पर डालने वाले हैं। मैंने यहाँ पर हींग ली है काफी सारी, उसके साथ साथ जीरा, सौंफ, मेथी दाना के बिना तो ये डिश बिल्कुल अधूरी है, और साथ में मैंने 2 तेज पत्ता लिए और सूखी लाल मिर्चें बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों जो पिसे हुए मसाले जिनको एक साथ हमें डालना है वो है हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है क्योंकि यही इस्तेमाल किया जाता है हलवाई के द्वारा, इसलिए थोड़ा स्पाइसी कम होता है और कलर ज्यादा देता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर काला नमक जरूर डालना, और नॉर्मल नमक तो आएगा ही आएगा। और ये क्या है, ये एक पिंच बहुत ही छोटा सा बेकिंग सोडा है, बहुत ही थोड़ा सा, ये सीक्रेट है यहाँ पर। ये काम बेसिकली ऐसे ही करता है कि ये अल्कलाइन है और ये सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक से ज्यादा अल्कलाइन है, तो इसका एक पिंच भी जब आप टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हो वो ज्यादा रंग ला के देता है, हल्का सा डार्क रंग लेकर आ जाता है। और हाँ, एंड मैंने धनिया पाउडर भी डाला है। तो बस यही थी सारी प्रिपरेशन, फटाफट ये सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई में सरसों का तेल ही डालना, उसी में ही ये सब्जी अच्छी लगती है। नॉर्मल रिफाइंड ऑयल डालोगे तो वो बात नहीं आएगी, कद्दू की सब्जी जो सरसों के तेल में बात आती है उसकी बात कुछ और है। और क्योंकि तेल कच्चा है तो पहले आप तेल को यहाँ पर अच्छे से गर्म होने देना, और जैसे ही गर्म हो जाए फिर गैस को आपने एकदम लो पर करना है। जो हमने खड़े मसालों का कॉम्बिनेशन बनाया था ना, हींग, सौंफ, जीरा, मेथी दाना, ये सब आप यहाँ पर डाल देना पहले। अगर आपको इनसे अच्छा सा फ्लेवर निकालना है तो आपको इनको हल्का सा रोस्ट करना पड़ेगा, और इसी टाइम पर मैंने यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है ताकि ये भी हल्की सी रोस्ट हो जाए, ऑयल में हल्का सा मिर्च का फ्लेवर आ जाए। बस थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद आप यहाँ पर टमाटर और अदरक डाल देना। आपने देखा होगा मैंने अदरक जानबूझ के इस टाइम पे डाली है, क्योंकि अगर पहले अदरक डाल देते उसके जलने के चांसेस हो जाते। मैंने जानबूझ के टमाटर के साथ डाली है ताकि अदरक जले बिल्कुल भी ना। 1-2 बारी आपने इसको चलाना है, और अब आप सूखे मसाले भी डाल देना, उसमें नमक भी है ना, टमाटरों के साथ तो नमक डालना ही होता है ना। अब यहाँ पर सूखे मसाले भी डाल देना, और अब आप इसको थोड़ी देर तक पका लेना, जस्ट 1 मिनट तक, ज़्यादा नहीं पकाना, 1 मिनट ही काफ़ी होगा। थोड़े से टमाटर भुन जाएंगे, मसाले भी भुन जाएंगे, फिर आप यहाँ पर गुड़ डाल देना। आप यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और अगर आपको
अगर आप चीनी या पाउडर वाली गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपने एकदम एंड में डालना है कसूरी मेथी और गरम मसाले के साथ। लेकिन मैं यहाँ पर गुड़ के ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसको हम हल्का सा भुनेंगे भी, उसका जो फ्लेवर निकल कर आएगा ना वो बहुत ही यूनिक है। बस अब आपने तब तक पकाना है जब तक टमाटरों से तेल अलग नहीं हो जाता और ये जो मसाला है हल्का सा दानेदार नहीं हो जाता। गुड़ चाहे पिघले ना पिघले, आपने पकाना तब तक है जब तक इससे तेल अलग होना शुरू नहीं हो जाता। जैसे ही आप उस स्टेज पर आ जाओ, आप यहाँ पर कद्दू को इंट्रोड्यूस कर देना। दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसमें कि पानी बहुत होता है। पानी डालने की हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा। आप पहले पहले हाई फ्लेम पर पकाना और हल्का सा रोस्ट कर लेना कद्दू को, इस जो हमारा मसाला है उसके साथ। और फिर आपने यहाँ पर ढक्कन लगाना है और अभी भी हाई फ्लेम पर ही पकने देना है। अभी फ्लेम को लो मत करना, 5 मिनट तक ढककर इसको पकने देना हाई फ्लेम पर। फिर आप नोटिस करोगे कि इससे हल्की हल्की सी ज्यादा आवाज शुरू आनी शुरू हो जाएगी। गैस को मतलब कि पानी हल्का सा रिलीज होना शुरू हो गया है, जिसमें आपको ज्यादा टाइम बोल लगे। फिर आप गैस को स्लो फ्लेम पे इसको ढककर पकने देना। अब जब आप ढक्कन खोलोगे ना बीच में स्टर करने के लिए, ये देखो कद्दू ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि वैसे भी उसमें नमक है ना, तो नमक से पानी निकालने में बहुत मदद करेगा। बस बीच में आप इसको स्टर जरूर करते रहना। आप ये देखो 5 मिनट तक और ढककर पकने देते हैं एकदम लो फ्लेम पर। कद्दू अब गलना शुरू हो जाएगा और अब आप देखो कितना ज़्यादा पानी निकलने लग गया है ना दोस्तों। अब इसको फिर से ढककर 2-3 मिनट और पकने देना। यही करना था, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता इस कद्दू की सब्जी में, यही थी मेन चीज़ें। आप इसको पकने देना, पानी हल्का सा रिड्यूस हो जाएगा, कद्दू भी गलने लग जाएगा। और जब थोड़ा सा ही पानी रह जाए, जब आपका थोड़ा सा ही पानी रह जाएगा ना, फिर आप यहाँ पर एंड की चीज़ें डाल देना ताकि वो भी उससे अच्छे से लिपट जाए। अब आप ये देखो कद्दू में पहले से काफ़ी कम पानी रह गया है, तो अब मैंने यहाँ पर भर के गरम मसाला डाला है। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है टाटा संपन्न का गरम मसाला। और इस मसाले की बेस्ट बात यह है कि इसमें धनिया पाउडर बहुत कम है, यानी कि ठंडे करने वाली चीज़ बहुत कम है, और इसकी खुशबू सच में अमेजिंग है। खैर, गरम मसाले के साथ साथ आपने यहाँ पर फ्रेशली कटा हुआ भर के धनिया डालना है, कसूरी मेथी डालना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो रेसिपी गड़बड़ हो जाएगी। और हाँ, मैंने भून के नहीं डाली है, जस्ट क्रश करके ऐसे ही डाल दिया है। साथ में 1 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर डाला है खटाई देने के लिए, बाकी टमाटर तो हमने डाला ही था, हल्का सा आमचूर पाउडर से और भी इन्हांस हो जाएगा। अब आप इसको अच्छे से मिला देना और आप खुद ही देख सकते हो पानी काफ़ी कम हो गया है और कद्दू आमचूर में काफ़ी गल चुका है सच में। अब आपने करना ये है कि आप एकदम लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट तक फिर छोड़ देना। और 5 मिनट के बाद ये देखो आप साइडों में हल्का हल्का तेल आ गया है। नहीं, हलवाई की तरह बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, ऑब्वियसली ओवर तो आएगा नहीं तेल, लेकिन कद्दू अच्छे से गल गया है। तो बस दोस्तों यही थी सिंपल कद्दू की सब्जी। साथ साथ पूरियां तल लेते हैं, और पूरी कौन, बिल्कुल हाई फ्लेम पर आपने तलनी है, तभी एकदम फूली फूली गोल गोल निकल कर आएंगी। बस दोस्तों गरम गरम पूरी हो, बढ़िया सी खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी हो, साथ मैंने चटनी बनाई है और मैंने बस तले हुए आलू रख लिए हैं साथ में, बाकी आलू की सब्जी भी आप बना सकते हो। लेकिन दोस्तों आप ये कद्दू की सब्जी बना कर देखना, ये खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी सच में बहुत पसंद आएगी आपको। और रही बात स्किन की, आपको लग रहा होगा ना कि यार भरत भाई स्किन होती तो वो गलती नहीं गलती, तो ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से एकदम नरम नरम हो गया। थोड़ी सी बातों का आपने ध्यान देना है, आप ध्यान दोगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम खट्टी मीठी बढ़िया सी सब्जी निकल कर आती है। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।